हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज है संडे और अभी सुबह के 12 दोपहर में, मतलब दोपहर हो गई है, 12:01 बज गए हैं। मुझे मतलब मैं काम में लगी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग स्टार्ट करने का। बस अब मैं फ्री होके बैठी हूँ और मैं कान्हा की प्रिपरेशन करवा रही हूँ एग्ज़ाम की। कल कान्हा का इंग्लिश का है पेपर पेपर तो कान्हा की, उसी की तैयारी चल रही है। सो कर रहे हैं कान्हा स्टडी, है ना कान्हा? हाँ। चल तो देखते हैं, ज्यादा दिन तो बीत गया, ज्यादा दिन में क्या खास होता है। रिकॉर्डिंग शुरू की हो, कान्हा का रोना बंद हो जाता है। बच्चे तुम मन के सच्चे मेरे बच्चे। ये देखिए, ये स्टडी यहाँ की तहाँ डली है इरेजर के लिए, रोने लगे। ये इनके कांड करते हैं ये भाई साहब, है ना भाई साहब? इरेजर पढ़ाई गई भाड़ में, फिर इरेजर या पेंसिल के लिए रोना चालू, तो लो आगे की पढ़ाई फर्स, है ना कहना? बहुत अच्छा तरीका है ये आपका ना पढ़ने का। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मेरा काम हो गया स्टार्ट। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था मैंने मटर वगैरह पीस के रखे थे जब मैं शाम को जा रही थी, तो सुबह तो कुछ नहीं बन पाया क्योंकि नाश्ते में बन गया पोहा। सो मटर तो रखे थे और अब मैं फिर मटर का कुछ करने जा रही हूँ, मतलब कुछ क्या करूँगी, जो बनाना तो वही। ये मैं मटर को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, इसे मटर कुछ तल करें कुछ पिसे। और ये मैंने कचौड़ी के लिए आटा लगा दिया। अब इसको मैंने पहले इसको 10-15 मिनट रख देते हैं और उसमें ना तेल बहुत ज़्यादा डालते, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मोयन डालते ना, जो उसके लिए अच्छा मोयन का मोयन डाल के फिर इसको आटा लगाते हैं। और इसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्की सी शक्कर डाली है और ढेर सारी सौंफ और जीरे डाले हैं। तो अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और इसमें डाल देंगे हल्दी, धना और मिर्च हरी वाली, यदि डालना है तो, प्लस थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ती। सो मैं बना लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बन गया है मसाला, अंदर भरना है जो, और बस छोटा छोटा पौड़ी जैसा बेल के और ये भर के फिर उनको पैक कर लेंगे। तभी जब मैं भरूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये ठंडा होने के लिए रखा है, ठंडा हो जाए उसके बाद फिर भरना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं उनको बना के बता रही हूँ कैसे बनाना है। और पेड़ा, सॉरी पेड़ा भी बोलते हैं, लेके और इसको बेल लेंगे, लेकिन मोटा मोटा बेलना है, ऐसा नहीं है बीच में पतला कर दिया, बीच में मोटा रहे, आजू बाजू करके उसको बेल लेंगे। ये पूड़ी के लिए बेलते हैं ना उस साइज का। और उसके बाद फिर उसमें भरेंगे मसाला, जो भी मटर का मसाला है वो भरेंगे। और अच्छा, मतलब जितना वो पैक हो जाए ना, पूरा बाहर ना निकले, उतना मसाला उसको भर देंगे। और फिर उसको मसाले को अच्छे से पहले दबाएंगे। और ये लास्ट था ना, जो भी नीचे गिरा था तो भूसा उसे उठा के रखती रही थी, और इसको दबा देंगे पहले अच्छे से। और दबा दबा के मसाला भर देंगे और इसको ना पैक बहुत अच्छे से करना। वैसे नहीं खुलता है ये, खुल जाए मसाला गिरे, फिर भी इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। और कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे दबा के फिर रख के ना, मतलब एक दो बेलन मार के इसको बेल लेते हैं, चपटा कर लेते हैं, बट उस टाइप की ना अच्छी नहीं लगती। और मैंने दबा के इसको हाथ से ऐसे गोल गोल कर लिया, क्योंकि ना गोल ही बने आलू बंडे जैसी, वो चपटी वाली अच्छी नहीं लगती है। बस इसको हाथ से अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि मसाला बाहर ना आए। और ये देखिए, और ये मेरी बाकी की भी बन के रेडी हो गया है। लेकिन चालू, ये जब सेक जाएंगे तो मैं दिखा। तो ये बन गई है कचौड़ियाँ,
कान्हा ने तो शुरू भी कर दिया खाना और अभी और सेक रही हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसी बनी कान्हा। ये देखिए इस तरह से सिकी है, ये बहुत टेस्टी लग रही थी। सुबह बन गई मटर की कचौड़ियाँ और लग रही हैं खाने में बहुत टेस्टी। बाकी खटाई वटाई मैंने नहीं बनाई, सो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए, घर बनाते ही होंगे सब अपने अपने घर में। सो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है।